हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज हम लोग मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है और रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक मैट्रिक्स बना ली 3x3 की, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 2, ठीक है। तो इसमें देखिए डायगोनल में एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जीरो नहीं है, ठीक, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या है, जीरो है, ठीक। इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर डायगोनल में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, ठीक है, और बाकी सारे डायगोनल में जीरो है, तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक मैंने 2x2 की मैट्रिक्स बनाई जिसके एलिमेंट मैंने क्या ले लिए, 2 0 0 0, ठीक। तो देखिए डायगोनल में एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, ठीक है, और डायगोनल में एक ऐसा एलिमेंट भी है जो जीरो भी है, ठीक है, और डायगोनल में एक ऐसा भी एलिमेंट है जो जीरो नहीं है, ठीक, तो भी ये क्या कहलाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाई जिसमें मैंने डायगोनल में क्या रखे, 1 1 0 0, ठीक। डायगोनल एलिमेंट्स देखिए इसमें सारे के सारे 1 है, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और 0 है, ठीक। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक। तो स्केलर मैट्रिक्स अब जान लेते हैं क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही होती है, पर उससे थोड़ी सी डिफर होती है, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। 2 2 0 0, 2x2 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें डायगोनल में 1 छोड़ के 2 2 है, ठीक है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अगर मान लियो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 और 3 भी है, तब भी ये क्या हो गई, एक स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक। रो मैट्रिक्स में क्या होती है, इसमें सिर्फ एक रो होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स बना ली 1 2 3 की, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1x3 का, ठीक है, 1x3 का, इसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है, कई सारी रो नहीं है, सिर्फ एक रो है, ठीक। तो ये क्या हो गई, एक रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अब कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें 1 कॉलम होता है खाली, ठीक है, 1 कॉलम। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3x1 का, ठीक, 1 2 3, ठीक। तो ये क्या होगी, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है और रो कितनी भी हो सकती है, पर कॉलम एक हो सकता है। रो वाले में क्या हो सकता है कि एक रो हो सकती है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक रो मैट्रिक्स हो गई, ये क्या हो गई, एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।